अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जिस गाड़ी का रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है सुजुकी कल्टस VXR वेरिएंट। इस गाड़ी में हमें तीन वेरिएंट मिलते हैं, एक VXR है, एक VXL है और इसमें एक ऑटो गियर शिफ्ट भी आती है जिसका नाम है AGS VXL। ये जो गाड़ी आप अपनी स्क्रीन में देख रही हैं ये इसका सबसे बेसिक मॉडल है VXR मॉडल। इसका रिव्यू देखते हैं, फिर एंड पे इसकी प्राइस के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। फ्रंट साइड से अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो इस गाड़ी का जो स्टाइल है वो एक मॉडर्न स्टाइल है, बड़ी खूबसूरत लगती है गाड़ी फ्रंट साइड से, और इसकी जो लाइट्स हैं वो भी एक खूबसूरत स्टाइल में की गई हैं। लेकिन इस गाड़ी में हमें जो कमी महसूस होती है वो फॉग लैंप्स की है, कोई भी फॉग लैंप इस गाड़ी में नहीं दिया जाता। लेफ्ट साइड से मैं अगर बात करूँ तो गाड़ी की फिनिशिंग जो की गई है, कंपनी ने अच्छी फिनिशिंग की है, लेकिन जो गाड़ी के डोर हैंडल्स हैं और साइड मिरर्स हैं वो बॉडी कलर में नहीं दिए गए। लेकिन जो इसकी दूसरी गाड़ी है, एक दूसरा वेरिएंट है VXL और AGS, उन दोनों में जो डोर हैंडल्स हैं और साइड मिरर्स हैं वो बॉडी कलर में ही मिलते हैं। गाड़ी की जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही अच्छी लुक है इस गाड़ी में। इसकी जो छत है वो भी मॉडर्न स्टाइल में है, पीछे हमें एक LED बल्ब में बैक लाइट भी मिलती है इस गाड़ी में। अगर मैं गाड़ी की व्हील्स की बात करूं तो इस गाड़ी में हमें कोई भी अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें व्हील कप दिए जाते हैं। पीछे इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स आती हैं और फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन जो इसका VXL वेरिएंट है उसमें हमें अलॉय व्हील्स की भी ऑप्शन मिलती है। इस गाड़ी की बैक साइड पर अगर मैं बात करूँ तो हमें सिंपल मॉडर्न शेप में इसकी बैक लाइट मिलती है, जिसके साथ साथ कल्टस और VXR लिखा हुआ मिलता है, पीछे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इस गाड़ी में जो चीज़ मिसिंग है वो पीछे वाइपर है, क्योंकि जो किया की पिकांटो आती है उसमें हमें पीछे वाइपर मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ हैचबैक कैटेगरी में आती हैं इसलिए पीछे वाइपर होना मेरे ख्याल से तो ज़रूरी है, लेकिन वो सुजुकी कल्टस में मिसिंग है। फ्रंट डोर की अगर मैं बात करूँ तो हमें डोर में अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जिसके साथ साथ पावर विंडोज़ की सारे कंट्रोल्स मिल जाती हैं, लेकिन कोई भी बॉटल होल्डर नहीं मिलता। गाड़ी के स्टीयरिंग की बात करूं तो हमें इसमें वैगनार वाला स्टीयरिंग मिलता है, VXL वेरिएंट में थोड़ा सा डिफरेंट स्टीयरिंग है, और मीटर में हमें स्पीडोमीटर और RPM मीटर मिलता है, साथ साथ हमें फ्यूल गेज वगैरह की ऑप्शन मिलती है। गाड़ी में कोई भी LCD इंस्टॉल नहीं मिलती, जहाँ के जो VXL जो इनका लेटेस्ट वेरियंट आ रहा है उसमें हमें कंपनी फिटेड एंड्रॉयड LCD मिलती है, जहाँ पर इस गाड़ी में हमें कोई भी LCD नहीं मिलती। इंटीरियर की बात करूँ तो इसमें बहुत ही सिंपल सा इंटीरियर है, कोई भी इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलती। बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकती हैं। अब अगर बैक साइड की बात करूं तो बैक डोर में हमें सिंपल पावर विंडो की ऑप्शन मिलती है, नीचे एक कप होल्डर दिया गया है, साथ साथ एक स्पीकर कंपनी ने फिट कर दिया है। पीछे बैठने वालों के लिए हमें दो सीट बेल्ट इस गाड़ी में मिलती हैं, और अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो इस गाड़ी का अच्छा लेग रूम है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी में तीन बंदे तो बमुश्किल बैठते हैं, लेकिन दो बंदे ईजिली इस गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर सफ़र कर सकते हैं। अब अगर गाड़ी की सीट्स की बात करूं तो हमें कंफर्टेबल सीट्स इस गाड़ी में मिलती हैं, लेकिन लेदर सीट्स तो नई गाड़ी में मिलती, लेकिन हाँ फैब्रिक सीट्स इन्होंने कंपनी ने हमें इस गाड़ी में दी हैं। अब अगर इस गाड़ी की डिग्गी की बात करूं तो हमें इसमें 254 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि एक अच्छी कैपेसिटी है हैचबैक होने के साथ साथ। नीचे हमें एक्स्ट्रा टायर यानी स्टेपनी मिलती है इस गाड़ी में। अब अगर लास्ट में इस गाड़ी की प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी की जो लेटेस्ट प्राइस इस वक्त VXR की आ रही है वो 17,80,000 रुपये कंपनी इस वक्त इस गाड़ी की प्राइस दे रही है।